ये है सूट मेरा जो कि अभी देखो गाइस, ये तो लेके आई हूँ मेरे लिए फोन। खमा गणिसा, स्वागत है ममता तंवर के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। जिया छेड़ रही है मेरे पार्सलों को। आज मेरे घर में इतने पार्सल बिखरे पड़े हैं कि बस आप पूछो, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा तो मैं कुछ ज़्यादा ही। अब शाम के हो रहे हैं 4 बज रहेगा, इसमें आप पूरे पार्सल पैक करके और अब फ्री हुई हूँ और अब मैं अब जा रही हूँ लफ्फे के सूट लेने के लिए। बहुत लफ्फे के सूट कल मैं जो लेके आई थी, कितने लेके आई थी, अब आज और भी ज़्यादा लेके आने हैं। और ऊबर करके रूपरानी से तो मैंने ऊबर करके मंगवाई है ये सारी सूटें। तो गाइस फोन आ गया, एक मिनट, गाइस कॉल आ गया था, खुद मेरी ओढ़नी से परेशान हो गई भाई मैं। नहीं, और सूट की ओढ़नी मैं इसलिए नहीं ओढ़ती हूँ, हाँ और क्या। तो मैंने नया सूट पहनाएगा इस, ये आप लोगों ने पहले अभी सिल के आए थे ना, तो देखो पीछे मेरे पार्सल ही पार्सल, काफ़ी पार्सल तो अभी पेंडिंग में है और काफ़ी पार्सल मैं आज आपको दिखाऊंगी। पार्सल अब मैं लेके जा रही हूँ, मैं उस गाड़ी वाले भाई, ओह सॉरी गाइस, उसके पार्सल वाले भैया से बोले भैया पार्सल ले जाओ, तो बोले कि दीदी पार्सल तो मैं अभी नहीं ले जा सकता, आपको गाड़ी में लेके आना पड़ेगा, बाइक पे इतने पार्सल नहीं जाएंगे, तो आप लोगों की अमानत की वजह से मुझे खुद जाना पड़ रहा। नहीं मैं आज छुट्टी, आज मेरा इवेंट हो रहा है गाइस, उसमें भी जाना है मुझे, आप लोगों के लिए भी लेके आना है। तो फिर फ़ोन आ गया गाइस, गाइस कॉल आ गया था, बस कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, सारे दिन काम भी नहीं कर पा रही हूँ, फटाफट से काम करना पड़ता है, फटाफट बच्चे को भी नहलाना धुलाना सारे काम करने पड़ते हैं, इतनी बिजी शेड्यूल हो गया आप लोगों के लिए, बस पूछो मत भाई, जिंदगी तल हो गई। नहीं नहीं तल नहीं हुई, बस आपके पास सूट पहुँच रहे हैं वही बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मेरे को चैनल को चलाना है और आप लोगों के पास सूट पहुँच रहा है। तो चलो गाइस ना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से पहुँचते हैं। और एक बात ये भी बोलती हूँ, वही मैसेज करें, काफ़ी वाइस टाइम पास करके जाती है, प्लीज़ टाइम पास ना करें कि ये है नहीं है, मैं शाम को करती हूँ सुबह करती हूँ, भाई मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है, आप शाम को करो, सुबह का करो, दोपहर में करो, सभी करो, क्योंकि फिर मेरे को वेट करना पड़ता है कि ये भाईसों को चाहिए या नहीं चाहिए। तो वही भाई साहब मैसेज करें कि जीजा ये तो मुझे कंफर्म चाहिए ही चाहिए, आप तुरंत पेमेंट करें, तुरंत आप अगले को फ़ोन करूँ, मैं उसकी वेट में रह जाऊँ, अगले के वो संभाल ही निकल जाता है, फिर आपको मुझे बोलना पड़ता है कि जीजा आप नहीं है ये चीज़ है ना। तो ऐसे काम ना करें, आपको बिल्कुल मन बना के कि मुझे ये लेना है लेना है, तो आप तुरंत मैसेज करें, पेमेंट करें, जीजा इस पर पेमेंट नहीं हो रहा, दूसरे नंबर तीसरे नंबर, आप ऐसे करो, ऐसे टाइम पास नहीं करो, मैं सुबह कर रही हूँ शाम को कर रही हूँ, और छोटे छोटे काम ना दे, किरण दे, कोटर गोटा धुआरा, ये मेरा काम नहीं है गाइस, ठीक है, ये आपको खुद के ही अरेंज करना पड़ेगा। मैं आपको सूट भेज सकती हूँ, आप सूट मंगा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिलाई करवा सकती हूँ, जिनकी सुविधा नहीं है सिलाई की, जो गाँव में पेवर के सूट भाई बिगड़ जाए, इतने महंगे महंगे सूट बनवाती हैं तो वो बिगड़ ना जाए, बस उनकी मैं थोड़ी सी सुविधा देती हूँ। और फिर ये जल्दी जल्दी ना करें, क्योंकि सिलाई में लगता है टाइम, तो फिर जल्दी जल्दी भी ना करें, जीजा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो भाई सिलाई में एक हफ्ता तो लगता ही लगता है, क्योंकि टेलर है, टेलर के पास आपके अलावा और भी सूट रहते हैं सबके, तो इसलिए फ्री होके ये काम करें, ठीक है भाई साहब, बुरा मन माना बट ये सही बात है, क्योंकि आपको बुरा तो लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे लिए भी आप थोड़ा बहुत सोच समझ सकते हो ना, छोटा बेबी है, घर के काम भी है, आप बताओ 24 घंटे में हाथ में फ़ोन लेके नहीं रह सकती कि, और तुरंत मुझे रिप्लाई भी देना पड़ता है, और हर चीज़ भूल गई हूँ मैं इस फ़ोन के अलावा, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलो अब चलते हैं, अब ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए वैसे, पचर 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 नहीं, अब कानू को देती हूँ दादू को और मैं आपके लिए सूट लेके आती हूँ, फिर मुझे जाना है गाइस घर पर। गाइस मम्मी ने देखो ये बैठ कर क्या कर रखा है, थैली नहीं मिल रही है सारे पार्सल को रखने के लिए, तो मम्मी बोल रही है एक एक रख के आती हूँ, और ये मैं शोनी वंश मम्मा तैयार हो रही है व्लॉग बनाने के लिए, पार्सल ये रखेगी कैसे जिया, ये है पार्सल, एक सूट के अंदर चार चार लफ़े का, पेवर का, चूड़ा और क्या बोलते हैं नजरिए गले का, इनमें सब में ऐसे है सारे। तो ये है आज के पार्सल, और उधर हमारा कानू आराम कर रहा है, ठीक है काना चले, अब आप तो यहीं भी रहोगे दादू के पास, ठीक है। और अभी काफ़ी सूट पेंडिंग में है जो कि मैंने लिखे हैं,
यकीन किया ओढ़नी आनी है, ओढ़नी ओढ़नी रामा कलर की ओढ़नी, तो काफ़ी वो पेंडिंग में रह गए ओढ़नी के साथ वाले। तो ये है आज का पार्सल। तो अभी ये मुझे 100 गाड़ी में लेके जाना है, क्योंकि इनमें वजन है 4-4 किलो, 3-3 किलो, 5-5 किलो इनमें। तो ये गाड़ी के अंदर मेरे को खुद को ही लेके जाने पड़ेंगे गाइस। तो गाइस अब बैठ चुकी हूँ मैं गाड़ी में, बज गए हैं शाम के 5 और आज मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। आज इवेंट में भी जाना है, अभी लेना है सही जगह, और फिर पहुँचती हूँ मैं रूपलक्ष्मी की शॉप पे लफे के सूट लेके आने, फिर कल पार्सल लगाना है। आज के पार्सल लगा दिए, आज जो बुक किए थे वो कल लगेंगे, ठीक है गाइस। और छुट्टी भी बता रहे हैं 1-2 दिन की पार्सल में, तो ये भी एक दिक्कत होने वाली है। चलो गाइस देखते हैं। गाइस अब हम बैठ गए, गेट बंद कर फटाक दिसी, लेट हो रही हूँ मैं, ठीक है पूछ लूंगी मैं तेरा से ना एक बार, ये अच्छा लग रहा है मेरे को देखो। पर इसमें फिर और डिजाइन दो ही सूट बचे हैं ना, कल नहीं लेके गई मैं, ग्रीन है ये, 3 कलर है ये सूट अच्छा लग रहा है, ये कर दो ये वाला। लफे में गुलाबी आ गए, तो लफे में रामा इन्हें थैली में डालो ना, और ये मेहरूम चीकू रेड, और एक वो दूसरा कौन सा लाइट सा कलर है वो, ये कलर है अब इलायची भी है। भाई साहब मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, हो गई है रात, अब जाना है मुझे डांडिये में, जाऊंगी या क्या करूंगी मेरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बट एक बार घर पहुंच जाऊं जल्दी से, फिर कानों को फ्री करती हूँ। तैयार होने में भी काफी देर लगती है गाइस, तो देखते हैं। और मेरी शॉपिंग नीचे रखी हुई है तो मैं दिखाऊंगी बाद में। मैं अब आ चुकी हूँ ऊपर, खाना उना बना उना के फिर आई हूँ गाइस मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे अभी इवेंट में जाना है। तो मैं ड्रेस भी नहीं सोच रही कौन सी पहनूँ कैसे पहनूँ, मैं सोच रही हूँ वही पहन लूँ जो अभी सिल के आई है। तो अब फटाफट से गाइस मैं रेडी होती हूँ, लेके ये आई हूँ, चलो दिखा देती हूँ। मैं खाना उना खा के आई हूँ गाइस, ये बैग रखा, अब इसको ऐसे लफे के सूट है, अभी फ्रंट कैमरा करके दिखाती हूँ। देखो गाइस ये तो लेके आई हूँ मेरे लिए, फ़ोन में एक मिनट कैमरा साफ, ये कलर है मेरा, ये मैं मेरे लिए लेके आई हूँ खुद के लिए, ठीक है गाइस। इसकी रेट है 1400 रुपये, और एक ये कल किसी ने मंगाया था उनके लिए, और इसमें सारे ये कलर नहीं है गाइस लफे में, ये कलर अब नहीं है, मत मांगना आप, ठीक है। और एक ही सूट है, ये 3 ऑर्डर थे, अब देखो उन भाई साहब से बात करूँगी कैसे क्या रहता है, फिर बताऊँगी आपको। गुलाबी मिलेंगे, और इसमें सारे में लफे ही हैं 10-15 सूट, ठीक है गाइस। अब इनको कल पार्सल पैक करूँगी, परसों की छुट्टी है, ठीक है फिर पड़े दिन जाएंगे। तो अभी मैं तैयार होकर मिलती हूँ गाइस आप लोगों को। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, जैसा कि आपने देखा ये सूट तो आज मैंने ही पहन लिया है, मेहरूम कलर का है गाइस। अभी इसमें फोन में पता नहीं कैसा कलर आ रहा है, मेहरूम कलर वाला सूट है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है, और आप भी बता देना। और मैं अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, सादा सिंपल गाइस, मैं रखड़ी उखड़ी पहन के नहीं जा रही हूँ, और ऐसे ही होके जा रही हूँ। गले में मैंने ये पहना है, कानों में मैंने ये पहने हैं, ये अभी मेरे जाते टाइम लिए थे, मैंने आपको दिखाया नहीं है। और ये वो ही दिखाती हूँ गाइस जो आप लोगों के पास पहुँच जाए, नहीं फिर आप बोलो जी जो आपने गले का कितने का है, ये मिल जाएगा गाइस आप लोगों को, ठीक है। पहले मैं देख के आई भाई स्टॉक है या नहीं, फिर आप लोग बोलोगे जीजा गले का चाहिए गले का चाहिए गले का चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं उनको बोला कि है ना, तो बोले हाँ है 6-7 जोड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है, बोलो और अब मंगा देंगे आपके ऑर्डर आएगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो कानों के बहुत प्यारे लग रहे हैं गाइस, देखो पास से देखो, बिल्कुल मतलब पॉलिश अच्छी वाली पॉलिश है, ऐसा नहीं है खराब वाली पॉलिश, अच्छी वाली पॉलिश है, 900 रुपये का है गाइस ये। तो अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ ये कैसा लगा। तो गाइस अब मैं मम्मा का लुक दिखाऊंगी आपको, और मैंने ये शरारा पहना है, और मम्मा बोल रही थी कि पता है मैं एक दीदी का मैसेज आया था कि आपकी बड़ी वाली बेटी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो गाइस ये है मेरा फाइनल, कैसा लग रहा है ये आप जरूर बताना, ठीक है। अब बैठते हैं गाड़ी में, क्योंकि लेट हो गई हूँ गाइस मैं, वहाँ पे बुलाया हमें गेस्ट के जरिए, तो वहाँ पे हमारी एंट्री होना जरूरी है, तभी तो ऑडियंस वहाँ रुकेगी, हम जैसे पहुँचेंगे तभी तो। चलो गाइस मेरे को भी लगा था कुछ बाल वालों में अभी थोड़ा सा और गाइस मैं भी पहुंच चुकी हूँ रीना भाभी सबको लेने के लिए, सब कानों को छोड़ दिया है। मम्मी हेलो ठीक है, अभी वो बहुत उल्टो पड़ गया मुनो आती जाती ने वो बैठे पर नहीं दो आप।
क्या बात है विनय मैम, आज है रामनवमी है ना, तो जोश आएगा, जय श्री राम। रिनी मैम का आपको प्रॉपर गरबा गाना भी आज सुनाते हैं। रिनी मैम कहाँ हैं? जी सर हम इधर बस हैं, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों की शुभकामनाएं इसमें पढ़ रहे हैं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक बार प्ले हो जाए रिनी मैम का गरबा क्या? तो जो भी पब्लिक बची है वो प्लीज इधर आ जाए, जो पब्लिक यहाँ पे आना चाहती है अपने स्टार्स के साथ में डांस करना चाहती है वो प्लीज उधर से इधर आ जाए, क्योंकि जो बची कुछ पब्लिक है वो दूरी के कारण चल जाए। आ जाए आप सब की तरफ, तो बहुत एक बार गरबा हो जाए आज रामनवमी पे। अभी चलना है फटाफट से, साहब जी हो रहे हैं नाराज कि ये कौन सा काम ढूंढ लिया जो 12-12 बजे घर में एंट्री हो रही है। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, ठीक है? तो गाइस अब पहुंच चुके हैं घर पे और कानू को सुला दिया है, तो अब एंड करते हैं गाइस। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।